हेलो माय लवलीज, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में। तो ये देखिए, मैं आज कितनी खुश हूँ। आप देख रहे होंगे ये लगेज मेरे पीछे, तो आपको लग रहा होगा भाई ये लगेज सब यहाँ क्यों पड़ा हुआ है। सो वी आर गोइंग बैक आवर होम, इंडिया जा रहे हैं। ये देख, सारा सामान जाने लगा अंदर, और ये रहा, तो खुशी से ही पता चल जाता है कि भाई घर जाने की खुशी क्या होती है। यहाँ तो घर है ही, लेकिन वहाँ अपने पेरेंट्स से मिलना, अपने कजन्स और अपने सारे रिलेटिव से मिलना, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। बहुत मज़ा आ रहा है। अचानक से प्लान बना तो हम लोग बोले कि चलो क्यों ना आप लोग से शेयर किया जाए, और बने रहिएगा और मैं अब इंडिया से आपको वीडियोज़ डालूंगी। तो हमारा कनेक्टिंग फ्लाइट है मैनचेस्टर टू अबू धाबी, अबू धाबी टू दिल्ली। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा रहा हमारा जर्नी, शेयर करेंगे आपके साथ। हमारा तीनों बैग्स अंदर चला गया, और अब जा रहे हैं ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ। तो ये देखिए, कुछ इंडोर प्लांट्स हैं जिनको वाटरिंग ज़रूरी होता है। तो ये देखिए मैं क्या की हूँ, गराज में सारा प्लांट्स डाल दी हूँ, और हमारे जो नेबर हैं वो बहुत अच्छे हैं, सो दे विल टेक केयर ऑफ दीज प्लांट्स। अंशुमन लगे पड़े हैं सामान को एडजस्ट करने में। इतनी एक्साइटमेंट है इंडिया जाने के लिए कि बता ही नहीं पा रहे हैं। ये देखे, ये टाइमर होता है जो आपको किसी भी स्टोर में मिल जाएगा, सुपर स्टोर में। जब भी हम लोग बाहर जाते हैं, इंडिया जाते हैं एक या दो वीक के लिए बाहर वेकेशन पे जाते हैं, तो आप ये लगा सकते हैं और इस पर टाइमर फिक्स कर सकते हैं। टाइम टू टाइम लाइट स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता रहेगा, जिससे बाहर के लोग को लगेगा कि हाँ कोई घर में है। ऐसा नहीं लगेगा कि घर वेकेंट है या कोई नहीं है घर में बहुत दिन से। तो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। सो ये किसी भी सुपरमार्केट में, टेस्को, सेंसबरीज, किसी भी मार्केट में आपको मिल जाएगा। हेलो माय लवलीज, ऑल सेट टू फ्लाई बैक होम इंडिया, और चलिए मेरे साथ एंजॉय कीजिए। ये देखिए कितना अंधेरा है बाहर, यहाँ सुबह का 4 बज रहा है और हम लोग निकल चुके हैं, पहुंच गए टर्मिनल डिपार्चर एयरपोर्ट। कार पार्क होगा अब, ये देखिए कितना बड़ा मैनचेस्टर एयरपोर्ट है। चलिए फिर चलते हैं लगेज चेक इन करने। देखिए कितनी खुश हूँ, मज़े में। चलिए फिर आते हैं, मिलते हैं चेक इन करने के बाद। चारू जी भी लगे हुए हैं क्यू में, इतना बिजी होता जा रहा है। हो गया लगेज चेक इन, और अब जा रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। तो बस चलिए, क्यारू जी का शॉपिंग स्टार्ट हो चुका, उनको पिलो चाहिए। ये इंडिया के लिए बस है एंड प्लान। छुपी हो पिलो। सो ये रहा ड्यूटी फ्री। चलिए मज़ा लीजिए, हम भी कुछ शॉपिंग कर ले ड्यूटी फ्री में, मज़ा उठाते हैं थोड़ा ड्यूटी फ्री का। आपको एयरपोर्ट पे दुनिया का सारा ब्रांड्स जो होता है ना, एक जगह पे अंडर वन रूफ आपको मिल जाएगा, वो भी ड्यूटी फ्री। बस ये देखे, ये हसीना गोरी अपने लिए सनग्लासेस पसंद कर रही है, और मैं आगे की तरफ निकल रही हूँ। काफ़ी अर्ली इन द मॉर्निंग, अराउंड 4 o'clock हम लोग घर से निकल गए थे, तो भूख भी लगा है। तो चलिए देखते हैं, शॉपिंग तो हो गया थोड़ा ही, बहुत ज़्यादा नहीं की, बस निकल रहे हैं। और आप देख रहे होंगे एयरपोर्ट पे लोग किस तरह से शॉपिंग करते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ये देखें कहीं कोई कहीं, तो बस हम लोग भी निकल रहे हैं और जा रहे हैं कुछ खोजते हैं अपने लिए खाने के लिए, और मज़ा लेते हैं।
ये लोग मुझे छोड़ के आगे भागे जा रहे हैं। और भाई लोग मुझे इतनी भूख लगी हुई है, कोई कॉफ़ी शॉप नहीं दिख रहा है जहाँ मैं बस सैंडविचेस या कुछ खा सकूँ। ये देखें एयरपोर्ट पे कैसिनोज भी होते हैं, लगाइए पैसा और जीतिए। रोल्स एंड कॉफ़ी ये सब काफ़ी फ्रेश होता है, तो ये जा रहे हैं लेने कॉफ़ी। And what are you eating? Bread ka ye hai, made today, gone today. Fresher the better. So that's why we go for bread. बस अब कॉफ़ी और क्रोसोन्स का मज़ा ले लिए और निकल चले अपने गेट के लिए। तो गेट पहुँचने के रास्ते में काफ़ी सारे ड्यूटी फ्री और भी शॉप्स थे, काफ़ी अल्कोहलिक ड्रिंक्स थे जो काफ़ी रीज़नेबली रेट में मिल रहे थे, काफ़ी चीप थे। तो जो जो लोग शौकीन होते हैं इन सब के तो वो एयरपोर्ट से ले सकते हैं। चॉकलेट शॉप्स एंड ऑल काफ़ी था। तो चलिए पहुंचते हैं गेट के पास, फिर मिलते हैं। ये देखिए इजी जेट जेट का है, सो लोग वेट कर रहे हैं। ये देखिए आरू का स्पीड फटाफट आगे चले जा रहा है गेट की तरफ। देख के ऐसा लग रहा है कि घर आ जा पर देसी तेरा देश पुकारे रे, इस एरोप्लेन में बैठ के कैसे अपने इंडिया पहुंच जाए। देखिए हम फॉरेन कंट्री तो आ जाते हैं लेकिन दिल वहीं छूट जाता है इंडिया में जहां जिसका घर होता है। तो अभी जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कैसे पहुंचे जल्दी से जल्दी, और एक अजीब सा फीलिंग है, खुशी है वहाँ पहुँचने का, जैसे लग रहा है पीछे कुछ छोड़ के नहीं जा रहे हैं, कुछ अब छूटा हुआ है उससे मिलने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा ये लग चुका है क्या? ये दो सरू लोग बैठे हुए हैं। बस बोर्डिंग स्टार्ट हो गया, आप देख रहे होंगे गेट खुल चुका है और आबू धाबी के लिए फ्लाइट लग चुकी है और लास्ट कॉल है, फाइनल कॉल। तो हम लोग बस अंदर की तरफ जा ही रहे हैं। ये देखिए आलू और अंशु और बस लगे हुए हैं, अब अंदर जाएंगे, रिलैक्स करेंगे और फिर मिलते हैं आबू धाबी एयरपोर्ट पे आपसे। लव यू माई लवलीज ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चलिए फिर मिलते हैं आबू धाबी एयरपोर्ट पे। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर तब तक के लिए लव यू ऑल माई लवलीज, बाय बाय, टेक केयर। और मैं अपने घर जा रही हूँ, टाटा।